इस समय हम कैथल के सिविल लाइन थाना में हैं, और आपको बता दें कि हमारे साथ जो सिविल लाइन SHO हैं राजेंद्र जी, वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये अच्छे अधिकारी होने के साथ साथ अर्जुन अवार्डी भी हैं, जो आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को 11-0 से हराया था, और अर्जुन अवार्डी के साथ साथ भीम अवार्डी भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी और इतने बड़े बड़े जो अवार्ड इनको सम्मान मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, स्वागत। नमस्कार सभी को, आपके दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 1995 में रेसलिंग स्टार्ट की थी। गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में मैं पढ़ता था, तब मैंने वहाँ रेसलिंग स्टार्ट की थी। और 1995 से लेके लगभग 2020 तक मैंने रेसलिंग में अपना योगदान दिया है। और लगभग इस दौरान मैंने 32-33 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं, और जिनमें मैंने 13-14 इंटरनेशनल लेवल पे पदक जीते हैं। और नेशनल और जो अपना राज्य स्तर पे है, ये काफ़ी मेडल मैंने जीते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जो एक स्पोर्ट्स के माध्यम से आज मैं इस जॉब पे हूँ, और इससे पहले भी मैंने दो जॉब और रेलवे और आर्मी में भी मैंने जॉब की है, वो भी मैं एज ए स्पोर्ट्स कोटा ही वहाँ मेरे को वो जॉब प्राप्त हुई थी। बड़ी बड़ी खुशी होती है कि भाई जब किसी टारगेट को हम अचीव करते हैं कि एक जॉब के लिए और अपने देश के सम्मान के लिए जब हम लड़ते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम में भी मतलब आप पाकिस्तानी खिलाड़ी को हरा चुके हो, अर्जुन अवार्ड से भी आपका सम्मान है, भीम अवार्ड से भी सम्मान है, तो किस तरह से चयन हुआ था, कितने के मतलब। मैंने 10 साल की उम्र में रेसलिंग स्टार्ट की थी। मैं बता देता हूँ आपको, मैं 2004 में जूनियर नेशनल में फर्स्ट आया था पहले, और वहाँ से मेरी जो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गई थी। और उसके बाद मैं 2006 में सीनियर नेशनल में जो मेरा मेडल आया था, और सीनियर में मेरा जो इंडिया टीम में चयन हो गया था। उसके बाद बाहर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, जूनियर में भी मुझे खेलने का मौका मिला था, पर पदक नहीं जीत पाया था। उसके बाद सीनियर में जब मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया था, सीनियर लेवल के जो कैंप थे वो अटेंड किए और एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और मैंने फिर 2009 में जो यही जालंधर में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 10 में मैंने एशिया चैम्पियनशिप में और हंगरी में एक टूर्नामेंट हुआ था, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में, आपने काफ़ी नाम सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तब मैं एज ए TT रतलाम में पोस्टेड था, तो उसके बाद फिर सरकार ने मुझे यहाँ ऑफर किया एज ए इंस्पेक्टर का पद, भाई यहाँ ज्वाइन करने के लिए बोला, तो फिर मैं वहाँ रिजाइन करने के बाद 2013 में यहाँ अपॉइंट हुआ था। और इस दौरान मुझे 2000 मेरी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया था, और 2013 में मुझे भीम पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा, जो हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों में, तो वो पुरस्कार मुझे दिया गया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ आपका मुकाबला था, वो किस तरह का मुकाबला रहा, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि देखो आपको पता ही है, पाकिस्तान के साथ हमारा थोड़ा, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कोई हॉकी मैच हो, कैसा भी मैच हो, तो थोड़ा उसमें फोकस रहता है। तो मेरी बाउट फाइनल में पाकिस्तान के साथ थी, बड़ा मतलब कि पब्लिक को भी, जो देखने वाले वहाँ पब्लिक थी, दर्शक थे, और कोचों में बड़ा उत्साह था कि भाई फाइट अच्छी होगी। वो भी अच्छा पहलवान था, पर ऐसा था कि भाई प्रैक्टिस इतनी कर रखी थी उस टाइम कि 11-0 से मैंने उसको हराया था। सर, जैसे शुरू से ही रेसलिंग में आप थे, तो आपके परिवार में भी कोई ऐसे पहले था खिलाड़ी जिनसे आपने प्रेरणा ली हो, आपका शुरू से ही जो रोमांस था रेसलिंग के प्रति। मैं कुरुक्षेत्रा से बिलोंग करता हूँ, हमारी जो रेसलिंग की बेल्ट है यहाँ कुरुक्षेत्रा में नहीं है इस तरह की, क्योंकि रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, जींद, इस साइड रेसलिंग का ज़्यादा क्रेज़ है।
इधर कुरुक्षेत्र साइड हॉकी है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, इस तरह के गेम है। पर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, लोगों का लगा लो आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है उससे कि भी इस बेल्ट से निकलना और इस लेवल तक जाना। तो बड़ा मुझे मतलब कि अच्छा फील होता है कि भी लोगों की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मतलब परिवार के किसी सदस्य से या किसी से आपने प्रेरणा लेकर रेसलिंग शुरू की है? कैसे परिवार बन गया के कि नहीं, रेसलिंग करूँ? नहीं परिवार के सदस्य कोई ऐसा नहीं है जो पहले रेसलिंग कर चुके हैं, पर जो मेरे दादाजी थे उनको रेसलिंग देखने का बड़ा शौक था। गांव में जो मेला होता है उसमें कुश्ती होती थी, तो मेरे दादाजी उनको इनाम के तौर पर घी वगैरह तब दिया करते थे। आप बट देखते थे देख उनको? नहीं, मेरे दादाजी को मैंने नहीं देखा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा मेरे फादर बताते थे कि भाई उनको बड़ा शौक था रेसलिंग का और पहलवानों को इनाम में घी वगैरह दिया करते थे। जी तो वहीं से आपने मतलब प्रेरणा ले ली थी कि दादाजी जैसे रेसलिंग के प्रति इंटरेस्ट था, आप भी मतलब रेसलर बनना? बस थोड़ा ऐसा था कि मैं भी कुछ गेम में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था और शरीर थोड़ा फुर्तीला था, उस वजह से थोड़ा फिर जैसे ही बचपन में वहाँ गुरुकुल में था तो कोच थे मेरे, तो श्री शमशेर सिंह ढुल, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे परिवार वालों को बोला कि भाई इसमें लड़के में टैलेंट है, तो उस फिर मेरे ऊपर फोकस करने लगे। घर वाले भी पहले तो इतना ध्यान नहीं देते थे। एक दो टूर्नामेंट में मैं गया, मैं वहाँ फर्स्ट आया, जैसे प्राइमरी स्कूल स्ट्रीट थी वहाँ फर्स्ट आया। तो बस इस तरह से मोटिवेशन भी मिलता गया, छोटे थे इनाम मिलता था तो काफ़ी और उत्साह बढ़ जाता था कि भाई हाँ हम खेलेंगे तो जीतेंगे, इनाम मिलेगा। तो बड़ा ऐसे ही सफर तय होता गया और बड़ा अच्छा लगा। सर, अगर मैं बात करूं कितने मेडल आप अब तक जीत चुके हैं मतलब रेसलिंग? रेसलिंग में मैंने बताया आपको कि भी जो इंटरनेशनल लेवल पे लगभग मैंने 13-14 मेडल जीते हैं, और अपने यहाँ पुलिस में आने के बाद भी मैंने जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स होते हैं उनमें भी 3 मेडल मैंने जीते हैं। और टोटल मिला के तो अब मैं क्या बताऊं कि स्टेट बचपन से खेलते आ रहे हैं, 25-30 तो जीत लिया। नहीं 25-30 तो नहीं, अब ज़्यादा ही लगभग 70-80 मेडल आप कह सकते हो कि भी मैंने स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। अगर बात करें जैसे स्पोर्ट्स के दम पर भी आपको जॉब भी मिली, दो जॉब पहले मिली, अब तीसरी जॉब आप कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं इंटरेस्ट रखते हैं रेसलिंग में, क्या आपकी तरफ से मैसेज है? मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपना जो कीमती समय है उसको वेस्ट ना करे किसी नशे की आदत में, और मोबाइल फ़ोन की भी एक आदत ही मानूंगा मैं इसको कि भी मोबाइल फ़ोन में इन चीज़ों में अपना समय वेस्ट ना करे। या तो वो अपने पढ़ाई पे ही फोकस करे। एक टारगेट सबसे ज़रूरी होता है कि डिसिप्लिन और टारगेट, एक डिसिप्लिन होना और एक टारगेट टेकना, टारगेट बनाना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम दोनों चीज़ों का पालन करेंगे तो ज़रूर हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे और एक टारगेट बना के ही सक्सेस हो सकते हैं। तो मतलब कितने घंटे प्रैक्टिस की जरूरत है? रेसलिंग में जैसे हम पहले 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस किया करते थे, दिन में हमारा रेस्ट रहता था, बस वो इतना अगर आदमी कर लेता है तो वो काफ़ी है।